2/11/68 की वाणी है प्रातः क्लास। मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप समझाते हैं। ये बार बार याद क्यों दिलाते हैं मुरली की शुरुआत में? इसलिए याद दिलाते हैं कि बच्चों की आत्मा अभिमानी देह से देह अभिमानी दृष्टि घड़ी घड़ी बन जाती है, तो बाप के सामने जब बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी स्टेज में बैठे हैं, क्योंकि बाप भी है मात पिता भी है, और बेहद का मात पिता है। तुम भक्ति मार्ग में गाते भी थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अभी भी पुकारते रहते हैं। तो कौन है वो मात पिता जिनको पुकारते हैं? जरूर कहेंगे परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता है कि किसकी कृपा से सुख घनेरे कौन से मिलते हैं और कब मिलते हैं, और सुख घनेरे किसको कहा जाता है वो भी नहीं समझते। अभी तुम तो यहाँ सामने बैठे हो जिनकी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, जानते हो यहाँ इस दुनिया में कितने दुख घनेरे हैं। ये है ही दुखधाम, और वो है सुखधाम, घनेरे सुख लेने का स्थान। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। इस बात का पहले भी तुमको ये अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो कि हम उस परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। और जानते हो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए आए, बाप को जान लिया और बाप द्वारा सारी सृष्टि चक्र को भी समझ लिया। हम पहले सुख घनेरे में थे, फिर बाद में घनेरे दुख में आए हैं, परंतु ये बात भी हर एक को नंबरवार बुद्धि में रहती है। नहीं तो स्टूडेंट्स को सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझाइश आ जाती है, स्टूडेंट छुई मुई हो जाते हैं, ऐसा माया बार कर लेती है। वो जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं नंबर वार पद हैं, स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं, वो गरीब प्रजा वो साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे होते हैं तो नरक में भी होते हैं, ऊंच और नीच तो होते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए, सबसे जास्ती सुख घनेरे किसको मिलते हैं, किसको कहेंगे?
कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे मिलते हैं। इसमें है मुख्य पवित्रता की बात। पवित्रता के बगैर पीस प्रॉस्पर्टी नहीं मिल सकती। और इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए और मनुष्यों की चलन सुधरती ही है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवी देवता कहा जाता है, और तुम तो यहाँ आए ही हो देवता बनने के लिए। वो देवताएं सदा सुखी थे, दुख तो रंचक मात्र भी नहीं था। यहां मनुष्य को सदा सुख तो हो ही नहीं सकता। सुख होता ही है देवताओं को। तुम भी इन देवताओं की ही पूजा करते थे क्योंकि ये पवित्र थे, तो सारा मदार पवित्रता पर है। और विघ्न भी इसी बात में पड़ते हैं। लोग चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाप कहेंगे सिवाय पवित्रता के सुख शांति कब हो नहीं सकती। तो पहले पहले मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता से ही घनेरे सुख और चलन सुधरती है। पतित होने से और ही चलन बिगड़ती है। तो समझना चाहिए अभी हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता का पुरुषार्थ जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। तो मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हे पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आकर यही बात बताता हूं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब तुम पवित्र सतो प्रधान थे तो कितनी शांति और कितना सुख था। अभी तुम बच्चों को याद आ गया है, कल की बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख संपत्ति शांति सभी कुछ था। अभी फिर से तुमको ये देवता बनना है। इसमें पहली पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। शास्त्रों में ये गायन तो है क्योंकि यह है ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में असुर विघ्न तो जरूर डालेंगे। पवित्रता के ऊपर ही तंग करते हैं। शास्त्रों में आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय गाए हुए हैं। यहां का ही गायन है और तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में ये देवताएं थे, बल सूरतें तो मनुष्य की हैं, परंतु उनको तो देवता कहा जाता है। वहां होते हैं संपूर्ण सतो प्रधान और हर चीज परफेक्ट होती है। यहां बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं।
तो देखो योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। और यह मुसाफिर बाप तो एवर ग्योरा है, जो तुमको भी सांवरा से गोरा बनाते हैं। तुम जानते हो हम 5-4 वर्ष बाद सांवरे बनते हैं, फिर बाप आकर के गोरा बनाते हैं। वहां नई दुनिया में तो सब होंगे ही गोरे ही गोरे, नेचुरल ब्यूटी होती है। वहां ब्यूटी पार्लर होंगे नहीं सुंदर बनाने के लिए, इसकी दरकार ही नहीं रहती है। सतो प्रधान होते ही हैं सुंदर, वो ही फिर तमो प्रधान होने से काले बन पड़ते हैं। नाम ही पड़ जाता है श्याम और सुंदर, कृष्ण को श्याम और सुंदर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ कोई भी बता नहीं सकता कि कब श्याम बनते हैं और कब सुंदर बनते हैं, कौन श्याम बनते हैं और कौन सुंदर बनते हैं, ये सिवाय बाप के और कोई बता नहीं सके। क्या ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं, श्याम सुंदर किसका गायन है? कृष्ण को क्या कहती हैं? संगम युग में श्याम है, सतयुग में जाके प्रिंस बनेगा, प्रिंस बन के जन्म लेगा तब सुंदर बनेगा। तो सतयुग के गायन पूजन यादगार त्योहार हैं, गायन और पूजन कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। श्याम सुंदर का जो गायन है वो संगम का गायन है, ये कलयुग और सतयुग का संगम है, गोरे और काले का संगम है। एवर गोरा वही बनता है जो एवर काला बनता है, और एक ही शरीर की बात है। ऐसे नहीं कि कलयुग के अंत में दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में श्याम है और सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेगा तो सुंदर बनेगा, ये तो दो शरीर हो गए। शरीर के ऊपर ही नाम पड़ता है, तो एक ही शरीर का गायन है श्याम और सुंदर। पुरुषार्थी जीवन में है श्याम, पुरुषार्थ संपूर्णता को प्राप्त होता है तो बनता है सुंदर। तो ये बात बाप के सिवाय और कोई नहीं बता सकता, ये भी बाप की पहचान का एक पॉइंट है कि दुनिया में न तो कोई धर्म गुरु इस बात को समझा सकते कि श्याम सुंदर कौन है, कब का गायन है, किसके लिए गायन है, और न कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी समझा सकते सिवाय एक बाप के, इसे श्याम सुंदर का अर्थ कोई बता ही नहीं सकता। तो देखो भगवान बाप जो बात सुनाते हैं वो बात और कब कोई मनुष्य नहीं सुना सकेंगे। चित्रों में देखो स्वदर्शन चक्रधारी देवताओं को बनाए दिया है, अब देवताओं को स्वदर्शन चक्र चलाने की क्या दरकार? स्व कहते हैं आत्मा को, दर्शन कहते हैं 84 के चक्र के को देखने को, चक्र कहते हैं 84 का चक्र, अर्थात अपनी आत्मा के 84 के चक्र का दर्शन करना, इसमें बुद्धि चलाना
मन बुद्धि को बार बार आवृत्ति में लाना, ये हो गया सुदर्शन चक्र। ये चक्र सबसे जास्ती देवताओं के द्वारा दिखाया गया है, परंतु देवताएं तो चक्र चलाते नहीं है। ये तुम ब्राह्मण बच्चों की बात है, और ब्राह्मणों में ही नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। नंबर वन में है विष्णु, ब्रह्मा सो एक सेकंड में विष्णु बनता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये सुदर्शन चक्र चलाने की देवताओं को तो दरकार ही नहीं है, वो तो संपूर्ण पवित्र हैं। मन बुद्धि को ज्ञान में चक्कर चलाने से मन बुद्धि पवित्र बनेगी, और देवताओं को तो ज्ञान होता ही नहीं है, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं, ऑलरेडी उनकी मन बुद्धि पवित्र बनी हुई पड़ी है। वो देवताएं क्या करेंगे शंखनाद करके, ये मुख शंख है, इसमें से तुम जो ज्ञान सुनाते हो यही तुम्हारा शंखनाद है। तो सुदर्शन चक्रधारी भी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, और ज्ञान की शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। अभी तुम जानते हो कि विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी, परंतु इसे समझने और समझाने के लिए चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। 2.11.68 की वाणी का दूसरा पेज, भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे अपनी चलन का वर्णन करते हो, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को नहीं सुधारते हैं, बल तुम अपने को 20 बार नीच कपटी पापी कहते हो और देवताओं की महिमा करते हो। तुम तो जानते हो कि सुधारने वाला बाप है और वो सुधारने वाला निराकार है, उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो, ये तो देवताओं के गुण हैं। भगवान कोई 16 कला संपूर्ण थोड़े ही बनता है, न कलाहीन बनता है, वो तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है, कलाओं से परे है। जैसे वो सूर्य जड़ सूर्य है, कलाओं से परे है, सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता, ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य है जिसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो देवताओं की महिमा और भगवान की महिमा में रात दिन का फर्क है, देवताओं की महिमा अलग, भगवान की महिमा अलग। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे देवता बने कैसे, आत्मा ही पवित्र और आत्मा ही अपवित्र बनती है। परमपिता परमात्मा के पवित्र और अपवित्र बनने की तो बात ही नहीं, क्यों क्यों पवित्र पवित्र बनने की बात नहीं, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी तो फिर ये तुम्हारा पतित शरीर भी नहीं रहेगा। इस शरीर के 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे, तुम जाकर के पावन शरीर लेंगे। यहां इस पुरानी दुनिया में तो पावन शरीर हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते,
क्योंकि पांचों तत्व ही तमो प्रधान है। तमो प्रधान तत्वों से सतो प्रधान शरीर का निर्माण कैसे होगा? पावन शरीर हो तब जब सारी प्रकृति सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती है, आत्माएं भी सतो प्रधान होती हैं, आत्माओं को शरीर भी सतो प्रधान मिलते हैं और पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं और पांचों ही तत्व तुम्हारे हुक्म में रहते हैं। तत्व तो जड़ हैं, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। तुम्हारी चैतन्य आत्मा जब सतो प्रधान बनती है तो पांच तत्व भी तुम्हारे हुक्म में चलते हैं, फिर दुख की कोई बात नहीं रहती। यहां तो पांच तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण कितने उपद्रव आदि करते हैं। सारी प्रकृति ही तमो प्रधान बन जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का स्वभाव ही तमो प्रधान है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, फटाक से एक्सीडेंट हो पड़ता है, मर पड़ते हैं। तो ये जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं, ये सभी पांच तत्व नुकसान करते रहते हैं। आखिरीन तुम्हारे विनाश में बहुत मदद करते रहेंगे। अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लग जाता है, भूकंप आ जाता है, ये नेचुरल ईश्वरीय आपदाएं हैं। वो बाम साधु जो बनाते हैं वो भी सभी ड्रामा में नूद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे आसुरी आपदा। वो बाम साधु तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये अर्थ के एक आदि होती है, ये कोई मनुष्यों की बनाई हुई नहीं है। ये सारी आपदाएं जब आपस में मिल जाती हैं तब मिल करके सारी पृथ्वी हल्काई कर देते हैं। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको हल्का बना करके ले जाते हैं नई दुनिया में? वो हजाम लोग होते हैं जब बाल उतारते हैं तो माथा ही हल्का हो जाता है। कभी तिरुपति बालाजी में गए होंगे भक्ति मार्ग में, नहीं गए तो जाके देखना कैसे बाल उतरवाते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो ये बाप भी एकदम हल्का कर देते हैं। हाँ, सन्यासियों में सल गुंजा नहीं करते हैं, हल्का कर देते हैं। माथा हल्का होने से तुमको कितनी फुर्सत हो जाती है। तो देखो बाप तुमको बिल्कुल हल्का कर देते हैं, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सभी का माथा बहुत भारी हो गया है, फिर सभी हल्के शांति सुखी प्रसन्न हो जावेंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सभी को खुशी हो जानी चाहिए। सबका बाप आया हुआ है, वो सभी की सदगति करने वाला है। तो तुम बच्चों को भी पैगाम देना है कि बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जब सभी
धर्म परिपन्न संपूर्ण स्टेज को पहुंच जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, और तुम्हारी जब पूरी स्थापना हो जाती है तो सभी धर्मों का विनाश हो जाता है। पहले स्थापना होती है सद्धर्म की, बाद में सब असत धर्मों का विनाश हो जाता है। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं था कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, और भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। अभी तो तुम समझते हो। भक्ति मार्ग में गायन भी होता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो अभी बाकी अनेक धर्म विनाश होने हैं, और ये कर्तव्य कोई ब्रह्मा नहीं करते हैं, विष्णु नहीं करते हैं, कोई धर्म पिता ये कर्तव्य नहीं करता। सब असत धर्मों का विनाश एक बाप के द्वारा होता है, दूसरे कोई में दम नहीं है सिवाय शिव बाबा के, जो सब असत धर्मों का विनाश कर सके, सब झूठी परंपराओं का विनाश कर सके। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य कोई नहीं कर सकता। विनाश कैसे होता है और स्थापना कैसे होती है? स्थापना होती है पवित्रता से, और विनाश होता है अपवित्रता से। और बाप करते हैं विनाश, तो ये कर्तव्य अलौकिक हुआ, इसे फिर अलौकिक कर्तव्य कहेंगे? परंतु निराकारी स्टेज अलौकिक कर्तव्य करने वाली साबित हो जाती है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार का विनाश कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। ये अलौकिक कर्तव्य है जो बाप के सिवाय कोई कर नहीं सके। इसलिए बाप है ऊंचते ऊंच, और उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंचे है। वो करण करावनहार है, करता भी है ब्रह्मा के द्वारा, और कराता भी खुद है। कराने के लिए ब्रह्मा का आधार नहीं है, ब्रह्मा ने सारा कर्तव्य करके दिखाया। बच्चों के ऊपर उंगली नहीं उठाई, तुम क्यों नहीं करते हो? कभी बच्चों के साथ गिल्ला सिकवा नहीं किया। और ये बाप का कर्तव्य ऐसा है जो खुद करे या ना करे, लेकिन बच्चों से करावेगा। भक्ति मार्ग में भी गायन है, कहते हैं जो गुरु कहे वो करना है, जो गुरु करे वो नहीं करना है। तो तुम जानते हो, और ये नालिश तुम सुनाते हो कि बाबा आया हुआ है। आया किस लिए? इस सारी सृष्टि भर से आत्मात्माओं का बोझ उतारने के लिए। तो गायन भी है, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना करने और अनेक धर्मों का विनाश करने। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। तो अभी बाबा आया हुआ है,
और तुमको कितना ऊंच महात्मा बनाए रहे। देवता बिगड़ तो महात्मा कोई होता ही नहीं है। यहां इस दुनिया में तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं। काम पाप आत्माओं के करते हैं और कहते हैं महात्मा। वास्तव में महात्मा नाम ही रंग है। अरे इस नरक की दुनिया में महात्मा कहां से आए? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य मनुष्य के साथ रहते हैं और मनुष्यों को एक दूसरे का पता नहीं है। महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को, जो महान कर्म करके दिखलावे। उसके महान कर्म से दुनिया ऊंची उठनी चाहिए या नीचे गिरनी चाहिए? दुनिया ऊंची उठती ही नहीं। 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है दुनिया ऊंची उठी है या नीचे गिरी है। दुनिया की मेंटलिटी नीचे गिरी है। तो बाप कहते हैं राम राज्य कहा जाता है स्वर्ग को, रामलीला दिखाते हैं तो राम का छोटा रूप बनाते हैं और रावण का कैसा बनाते हैं? बड़ा रूप बनाते हैं। क्यों? ये दिखाने के लिए कि रावण में बहुत देवभान है और राम आत्मा अभिमानी है। तो राम जो स्वयं स्थिति में रहने वाला आत्मा अभिमानी है वो ही राम राज्य स्थापन करता है। उसको कहते हैं स्वर्ग। वहां रावण राज्य नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम जितना संपूर्ण बनेंगे उतना तुम बहुत समय सुख में रहेंगे। 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकेंगे तो सुख की कोटि भी कम हो जाएगी। जो अपूर्ण रह जाएंगे वो इतना सुख तो पा नहीं सकेंगे। समझो कोई सतयुग के दूसरे जन्म में जन्म लेते हैं तो पवित्रता में कितनी कला कम हो जाएगी? चौथाई की भी आधी कला कम हो जाएगी। समझो चौथाई कला कम होती है तो संपूर्ण पवित्र कहेंगे क्या? नहीं। फिर द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। गीता में तो लिखा है स्वधर्म निधर्म से परधर्म हो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे का धर्म ग्रहण करना वो तो बहुत दुख की निशानी है। पराधीन हो जाते हैं और पराधीन सपने सुख नहीं। तो वो अपूर्ण आत्मा दुर्गति को प्राप्त करती रहती है। जो अपूर्ण आत्मा है वो इतना सुख पाए नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनना है। स्कूल में भी कोई संपूर्ण और कोई अपूर्ण होते हैं और फर्क दिखाई पड़ जाता है। डॉक्टर को तो डॉक्टर ही कहेंगे परंतु कोई डॉक्टर की पे देखो कितनी और कोई की बहुत कम। वैसे ही देवता, उनको देवता तो कहेंगे परंतु मर्तव्य में बहुत फर्क पड़ जाता है।
बाप तो आकर तुमको ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, कहते हैं कि कृष्ण को कब भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो कहा ही जाता है श्याम सुंदर। भगवान कभी श्याम बनता है क्या? भगवान तो सदैव ही सुंदर है, एवर प्योर है। तो सांवरा भी कृष्ण दिखाते हैं, ये भक्ति मार्ग की बात है। नहीं तो बाप कहते हैं सत्युग में कृष्ण कब सांवरा नहीं होता, वहां नाम रूप तो बदल जाता है ना। तो बाप बताते हैं यहां संगम में ही कृष्ण की आत्मा सांवरी बनती है, भिन्न नाम रूप देश काल से। ये बात अभी तुमको समझाई जाती है, तुम समझते हो हम बरोबर शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से अभी असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी बताया है, जिस राज का और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर के सभी राज समझाते हैं, कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, तुम हमारे साथ घर में रहते थे, वहां तुम कितनी ऊंची स्टेज में थे, आत्मा आत्मा भाई भाई, शरीर वहां था ही नहीं, बाप था और तुम बच्चे भाई भाई थे, और तो तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं था। और ये भी जानते हो कि बाप तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं। 2/11/68 की वाणी का 3rd पेज, वो बाप तो ड्रामा अनुसार रिजर्व में रहते हैं। ये रिजर्व में रहने का उनका पार्ट है, कभी भी अपवित्र बनते ही नहीं। इस अपवित्र दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं, पतितों के संग में आते हैं, तो भी पतित नहीं बनते, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा वो भी बाप ने बताया, ऐसे नहीं कि तुमने द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, जब बहुत दुखी हुए तो पुकारना शुरू किया। द्वापर के आदि में भी बहुत सुख होता है, द्वापर के आदि में तुम्हारी भक्ति भी सत्वप्रधान थी। अभी तुम जानते हो कि बाप तुमको बहुत सुखी बनाते हैं, अथाह सुख का वर्षा दे रहे हैं, और तुम भी कहते हो बाबा आपके पास कल्प कल्प अनेक बार हम आए हैं, ये चक्र चलता रहता है। जानते हो 5-4 वर्ष के बाद बाबा हम आपसे आकर के मिलते हैं और आप हमें ये वर्षा देते हैं। जो भी सभी देहधारी हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं, और पढ़ाने वाला विदेही बाप एक है। ये देह पढ़ाने वाले बाप की नहीं है, वो तो खुद विदेही है, अपने घर से आकर के जब देह धारण करते हैं तब पढ़ाते हैं, नहीं तो देह बिगर बच्चों को कैसे पढ़ावें। वो सभी रूहों का बाप है, देहों का बाप नहीं है। देहधारियों का बाप कौन है?
जो भी देहधारी मनुष्य हैं उनका बाप प्रजापिता है। भक्ति मार्ग में भी सभी उस विदेही को पुकारते हैं। बरोबर रुद्रमाला से मिलते भी है। ऊपर में है फूल और बाद में मेर युगल, वो तो एक जैसे ही है, फिर फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? ये भी अभी तुमको पता पड़ा है कि सदा काल का नमन करने वाला तो वो एक ही है। तुम जानते हो माला कैसे फेरते हैं? वो माला देवताओं की फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? बताओ, माला देवताओं की है या तुम्हारी है? सत्युग में माला की बात ही नहीं। नंबरवार कहाँ होते हैं? यहाँ, यहाँ सच्चम सच्च तुम्हारी बुद्धि में वो माला घूमती है। कौन किस नंबर को पाने वाला है? ये ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन जाते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता। अभी तुम पढ़ते हो, फिर वहां जाकर के देवता पद पाते हो। नंबरवार देवता बनते हो तो अभी माला तुम ब्राह्मणों की है, तो बाप द्वारा पढ़ करके तुम मेहनत करके देवता बनते हो। बलियारी तुम्हारे पढ़ाने वाले की है, तो बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है? वहां सत्युग में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वो फूल आकर तुमको फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल फूल बन जाते हो। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है और सारी सृष्टि के आदिमध्यंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुम्हारी भी महिमा है, क्योंकि तुम ब्राह्मण बैठे आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। वो देवताएं तो स्वर्ग में रहते हैं, तुम जब देवता बन जाते हो तो तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज वहां नहीं होगी। अभी तो तुम बच्चों को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज है। ये ज्ञान तुम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय और किसी को नहीं मिलता है, तो अभी तुम बहुत भाग्यशाली हो। परंतु माया फिर ऐसे हुनर को भुलाए देती है, ये भी तुमको पक्का है कि ये ब्रह्मा बाबा हमको नहीं पढ़ाते हैं। ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं, ये तो सभी से लास्ट में था, सभी से नंबर वन पतित वो ही फिर नंबर वन पावन बनते हैं। पतित दुनिया में सभी पतित मनुष्य, पवित्र दुनिया में सभी पवित्र, वहां कितना सुखी होते हैं। अभी एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, तुमको बाप कितना ऊंच बनाते हैं, वरदान देते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव,
तुम्हारी आयु एवरेज 150 वर्ष हो जाती है। सर्वगुण संपन्न पुत्रवान बन जाते हो। ये सभी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर बैठा आशीर्वाद दूं फिर तो सभी को देता रहूं। भक्ति मार्ग में कोई को बच्चा नहीं होता है तो भी झगड़ा चल पड़ता है। कहेंगे पवित्र बल बनते रहना, एक बच्चा तो दे दो। मित्र संबंधी भी कहते हैं अपना नस्ल तो इस दुनिया में छोड़ जाओ। बाप कहते हैं इन बिच्छू टिंडन की मिसल का नस्ल का अब तुम क्या करेंगे, ये तो तुमको डंक ही मारते रहेंगे। तो बच्चों का हाल देखो अभी क्या बन जाते हैं। ये तमो प्रधान दुनिया है। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, उन पर भी गालियों की कितना वर्षा कर देते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरी कितनी ग्लानी की है। कहेंगे अपनी भी न ग्लानी की है और मेरी भी की है। तो ये ड्रामा में खेल है। पूज्य से पुजारी बनते हो, पुजारी बनने से आसुरी संप्रदाय बन जाते। अभी तो है ही कलयुग, सभी घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है तो अभी तुम तो रोशनी में आ गए हो। वो सभी घोर अज्ञान अंधियारे में है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा फर्क का पता पड़ गया। तुम जानते हो अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया है। तो कोई भी कहेंगे तमोप्रधान दुनिया, इनको कहते हैं विशेष विषय वितरणी नदी, विषय सागर है, वैश्यालय। हम पहले शिवालय के वासी थे। तो देखो रावण, तुमने हमको वैश्यालय में डाल दिया। अभी रावण को तुम कहेंगे हाय हाय। तुमको मालूम पड़ गया ये खेल कैसा बना हुआ है। आधा कल्प शिवालय में और आधा कल्प वैश्यालय में रहते। बाप कहते हैं तुम वैश्यालय में गिरते हो तब भी देखो तुम्हारे पास कितना आधा धन रहता है। लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये 5000 वर्ष का खेल है। नई और पुरानी दुनिया की आयु भी जरूर होनी चाहिए। मनुष्यों ने तो एकदम जैसे तबाही बनाई दिया। और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। नाम रख दिया है व्यास भगवान। 2/11/68 की वाणी का चौथा पेज। और कहानियां उन्होंने कितनी बनाई दी, कितनी पुस्तकें बनाए मारी। वहां नई दुनिया में तो कोई भी पुस्तक की दरकार नहीं। वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं। ये भी जानते हो इनसे कोई फायदा नहीं होता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुमने दुर्गति को पाई लिए। बाप कहते हैं मुझे भी पढ़ने की दरकार नहीं, मैं आता ही हूं आकर के सभी को सदगति देता हूं। तो ये तुम्हारी पढ़ाई कितनी ऊंचे है। स्कूल में भी बच्चों को क्या पढ़ना है, यहां तो भगवान पढ़ाते हैं तो फिर आसुरों से क्यों पढ़ाई पढ़नी चाहिए। यहां से ही पढ़ाना शुरू कर दो। इन बच्चों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे बड़ों का भी नाम निकालेंगे और सभी बंदर खावेंगे। ये तो भगवान के बच्चे हैं,
जो कैसा अच्छा सदगति का रास्ता बताते हैं। अब इसमें हिम्मत चाहिए, ये है ईश्वरीय पढ़ाई और वो सब है आसुरी पढ़ाई। कोई पढ़ते पढ़ते आधा में ही मर जाते हैं, फिर भी अगर शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो हो सकता है उनकी अगले जन्म में आयु भी बहुत बढ़ जावे। जो बुढ़ी बुढ़ी हैं उनको भी यहाँ पढ़ाते हैं, तो छोटे बच्चों को हम क्यों नहीं पढ़ावेंगे। ये तो स्कूल है, अच्छा पढ़ सकते हैं। बच्चों का भी हक है, उनमें भी आत्मा है, क्योंकि पढ़ना तो आत्मा को है ना। तुम यही पढ़ाते रहो, घर घर में माँ बाप बैठ बच्चों की यही सिखाते रहें, तो उनों के लक्षण भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, सभी के तो नहीं होंगे, कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो नाक में ही दम कर देते हैं, माया घेर लेती है, तो बात मत पूछो, संभालना ही उनका मुश्किल हो जाता है। अब अनन्य बच्चे तो जानते हैं कैसे कैसे नाक में दम करने वाले बच्चे हैं, फिर भी कह देते हैं ड्रामा। ड्रामा के प्लान अनुसार शिव बाबा मिला है, उनकी डायरेक्शन पर चलना है। मनुष्य तो कह देते हैं जो नसीब में होगा सो मिलेगा, परंतु नहीं, नसीब के ऊपर नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, कम पुरुषार्थ करने वाले कम पद ही पावेंगे। तुमको अभी पुरुषार्थ कराने वाला बेहद का पाप मिला है। वो कहते हैं तुमने मुझको बुलाया है, हे पतित पावन बाबा, आकर के हमको पावन बनाओ, तो अभी मैं आया हुआ हूं। फिर पावन बन जाते हो पावन दुनिया में, वहां तुम फिर मेरे को निमंत्रण भी नहीं देते हो कि बाबा आप पावन दुनिया में आ जाओ। तुम कितने स्वार्थी हो, सिर्फ पतित दुनिया में मेरे को बुलाते हो। वो तुमको पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाए देते हैं, फिर तुम उनको पूछते भी नहीं। ये खेल बड़ा ही वंडरफुल है। ये भी जानते हो शिव बाबा कल्प कल्प आते हैं, इन द्वारा तुमको बैठ पढ़ाते हैं। भगवान वाच में तुमको डबल सिर ताज बनाता हूं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। कलयुग अंत में ये देवताएं ही नहीं, सतयुग आदि में देवताएं होते हैं, तो वो कहां से आ गए, किसने बनाया, और अभी तुम कैसे देवता बन रहे हो, ये सारी समझ तुमको मिल गई। फिर औरों को भी समझाना है, बहुतों का कल्याण करेंगे तो उनों की आशीर्वाद मिलेगी। जितना सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो उसकी निशानी होगी कि तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। हाँ, नंबरवार तो होते ही है, सभी तो सतो प्रधानता तक नहीं पहुंचेंगे, हिसाब किताब सारा समझाया जाता है। इस समय सभी रावण की जेल में फंसे हुए हैं और कृष्ण की आत्मा भी इस समय रावण की जेल में है। सब रावण की कैद में है, बाप ने आकर अब निकाला है, वहां ये जंजीरें आदि होती ही नहीं है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों के पास ही आना होता है। जो बिल्कुल साहूकार थे वो अभी बिल्कुल गरीब बन गए, तो उन पर तरस पड़ता है, देखो मेरे बच्चे क्या थे और कैसे इन्होंने दिवाला मार दिया। अभी बाप कितना ऊंच बनाते हैं, अभी पुरुषार्थ करना पड़े, बाप को याद करो। कहते मैं ही पतित पावन हूं, कोई देहधारी देह को धारण करने वाला तो पतित पावन हो ही नहीं सकता।
देवताओं को भी पतित पावन नहीं कह सकते। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तुमने ईश्वर का अंत पा ही लिया। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं बेअंत है, तुम्हारी मत है तुम्हें ही जानो। अभी बाप आकर श्रीमत देते हैं, बाप ने खुद आकर अपना सारा अंत बता दिया। अभी तो तुम सभी कुछ जान गए, जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ घर में रहती हैं, फिर यहाँ आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।